हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पांच बातें इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई। जिंदगी बहुत छोटी है जनाब, और सबसे बड़ा सच है मौत, पर हम इसे सच को भुलाए बैठे हैं। कोशिश कीजिए हर एक की मदद करने की, कोशिश कीजिए हर एक की मदद करने की। किसी का हक कभी नहीं मारिए, अहंकारी का त्याग कर दीजिए। हर इंसान का सत्कार कीजिए, हर एक को गले लगाइए। अपने से बातचीत कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, ईमानदारी और अनुशासन। आचार चक्र के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति हमेशा ईमानदार और अनुशासन होना चाहिए। यदि आप जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। नंबर दूसरा, अच्छा व्यवहार। यदि आप व्यक्ति से अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो उसे अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए। चक्र चारक जी का मानना था कि वह जो लोग बातों को धनी होते हैं वह हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेते हैं। इसीलिए मनुष्य को हमेशा हमेशा मीठा मीठा बोलना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। नंबर दूसरा, जोखिम उठाने का साहस। जो व्यक्ति हमेशा व्यवहार में जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है वह भविष्य में जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है। नंबर चौथा, टीम वर्क। चारक जी का मानना था कि व्यक्ति को कभी भी सफलता अकेले प्राप्त नहीं होती है, उसमें हमेशा टीम के साथ काम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि सबका साथ लेकर चलने से हर काम अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है। नंबर पांचवा, सामर्थ्य। आचार्य चक्र के अनुसार व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार अनुशासन अनुसार ही काम करना चाहिए। अपनी क्षमता के व्यवहार बाहर काम करने से अक्सर नुकसान ही हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा अपना काम मिलकर ही करना चाहिए। कहते हैं ना, कोशिश कीजिए हर एक की मदद कीजिए करने से। किसी का हक कभी नहीं छीनिए, अहंकार का त्याग कर दीजिए। दोस्तों, हर इंसान को सत्कार करना चाहिए। हर एक को गले लगाइए। तुलसी देवी ने क्या खूब कहा है, मेरे राम जी झील भेजो एक खीज, भवन पड़ा जामे की